साइडेंटल hey ब्लॉग्स और आज हम व्हाइट पैच के बारे में बात करने जा रहे हैं व्हाइट पैच हमारे माउथ से कैसे निकालें? व्हाइट पैच निकालने के पहले ये जाना बहुत जरूरी है कि ये व्हाइट पैच हुआ क्यों है उसका कारण जानना बहुत जरूरी है तो बेसिकली दो टाइप के व्हाइट पैच होते हैं एक तो टोबैको इंड्यूस्ड और दूसरा होता है फंगल इन्फेक्शन इंड्यूज आज हम बेसिकली टोबैको इंड्यूज व्हाइट पैचेस के बारे में बात करेंगे जो सबसे कॉमन व्हाइट पैच हमारे इंडिया या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पाया जाता है वो होता है ओ की व्हाइट ब्लाचिंग जो की पैच नहीं कहलाता है ब्लांचिंग कहलाता ओ का मतलब ओरल सब मिकस फाइब्रोसिस जिसमें हमारा पूरा माउथ व्हाइट हो जाता है हमारा जीप तालू टंग और हमारा जो बोथ साइड चीक्स हमारे लिप्स के अंदर वाला एरिया उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लाचिंग उसमें पिगमेंटेशन एरिथेमा रेडिशनेस ये सब चीजें होती हैं तो ओ के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं वो गुटका खाने की वजह से बेसिकली होते हैं काफी ज्यादा कॉमन होता है ओ इंडियन पॉपुलेशन में क्योंकि लोग यहाँ पे सिगरेट का कम यूज करते हैं और च्यूरेबल फॉर्म ऑफ टोबैको ज्यादा लेते हैं अब इन स्टेजिंग ऐसे ओ होती है चार स्टेजेस उसमें इनिशियल स्टेजेस में तो ये डिजीज क्यूरेबल है लेकिन सेकेंड थर्ड और फोर्थ स्टेजेस में ये डिजीज का क्योर होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और काफी ज्यादा टाइम लगता है अभी कुछ कुछ ओएसएमएफ लोग होने के बाद भी गुटखा का सेवन करते हैं तो उन पेशेंट में पाया जाता है कि ओ के पैच के साथ सुपर इम्पोज लिकोपलेकिया का भी पैच हो जाता है जो कि काफी डेंजरस होता है और टंग में सबसे ज्यादा होता है चीक्स में भी सबसे ज्यादा होता है अब बेसिकली ये सवाल उठता है कि हम पहचाने कैसे कि ये व्हाइट पैच डेंजरस है कि नहीं तो कभी कभी हमारे माउथ में बहुत सारे जैसे प्रॉब्लम्स रहती हैं जैसे कि ब्लीडिंग गम्स हो गया या फिर टूटे मोटे दांत हो गए तो कभी भी हमें इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए सबसे स्पेशली तो ब्रोकन टूथ या फिर कोई भी टूटा हुआ डेंचर या फिर टूटा हुआ जो कैप लगाते हैं आर के बाद तो ये सब चीज़ें बहुत डेंजरस होती है क्योंकि ये सब क्रॉनिक इरीटेशन कराते हैं और कैंसर में जो हमारे हमको पढ़ाया जाता है कि रीजनस क्या क्या हैं फर्स्ट रीजन है हमारा तो टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग सेकेंड रीज़न एल्कोहल थर्ड रीजन होता है कि क्रॉनिक इरीटेशन क्रॉनिक जो टूटा हुआ दांत है या फिर टूटा हुआ डेंचर है फिक्स पार्शियल है या फिर कोई भी शार्प टूथ टूथ तो अगर आपके माउथ में कोई भी इस टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें शार्प टूथ या फिर आपको अपने जीप को चराने से लग रहा है कोई नोकीला दांत है तो उसको इमीडिएटली जाकर ट्रिम करवाएं अब ये क्या करता है कि जो टूटा हुआ दांत होता है ये

टूथ को आदर निकलवाएं या फिर उसको स्मूदन कराएं टोबैको इंड्यूस दो टाइप का होता है एक तो हो गया स्मोक वाला जिसमें लोग सिगरेट बीड़ी इत्यादि पीते हैं और दूसरा हो गया स्मोकलेस लेस जिसमें गुटका खैनी ये सब खाते हैं अब लोग सोचते हैं कि मैं खैनी चालू कर देगा सिगरेट बंद कर दूंगा तो उसमें मेरे को लंग कैंसर नहीं होगा लेकिन खैनी से भी खैनी का जो लोकेशन है उसके डिफरेंट लोकेशन में भी कैंसर पाया गया है अगर आप खैनी को अंदर इस साइड में रखते हैं तो टंग में भी कैंसर हो सकता है क्योंकि आपके सेल्स तो ट्रेवल करते हैं ना एक जगह पे पर्टिकुलर नहीं रहते हैं ब्लड सर्कुलेशन हर जगह पे ही है तो बेसिकली जब हम स्मोक करते हैं तो हमारा जो कमिशर जो मतलब कि लिप के साइड वाले एरिया में लुकोपलिख्या होता है और हमारे तालू में भी लुकोपलेक्या होने के चांसेस रहते हैं तो ये हो गया हमारा स्मोक और स्मोकलेस टाइप ऑफ हमारा जो व्हाइट पैचेस अब आ गया है हमारा जो विजडम टूथ निकलता है उस एरिया में भी हमारा व्हाइट पैच कभी कभी लोगों को दिखता है लोग काफी डर जाते हैं इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल हाइपर अब जो थर्ड मोलर जो हमारा अक्कल की दांत होती है वो जब निकल नहीं पाती है तो वो हमारा छोटा सा उसका मुंह निकल जाता है तो क्या भी क्या होता है कि जब हम च्यू करते हैं ना तो बार बार वो जो छोटा वाला पार्ट होता है हमारे चीक्स में रब होता है उसकी वजह से एक फ्रिक्शन पैदा होती है और वहां पे एक वाइटिश लेयर जमने लग जाती है धीरे धीरे मोटी परत जम जाती है तो काफी लोग उससे भी परेशान होते हैं तो ये फ्रिक्शनलो की व्हाइट है जो कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है अब एक एक करके बताऊंगे हमारा एक है जिस क्यों होता है एक टाइप ऑफ ऑटोम डिसऑर्डर है और इसको ठीक करने के लिए एक ही तरीका है कि आप स्ट्रेस मत लीजिए और कुछ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए पांचवा हो गया हमारा लाइकन रिएक्शंस अगर हमारे माउथ में हमको कोई अंडरलाइंग डिजीज है या फिर हम कोई चीज की मेडिसिन खा रहे हैं तो बेसिकली ये लाइकनोड रिएक्शन ड्रग इंड्यूस मतलब मेडिसिन इंड्यूस ज्यादा होती हैं या फिर हमारे माउथ में मेटालिक रेस्टोरेशन या फिर चांदी की फीलिंग रहती है उससे भी हमको लाइकनोड रिएक्शन या फिर कोई टॉफ रिएक्शन हो सकता है जिसमें हमारे माउथ में व्हाइट पैच हो सकता है तो अब बेसिकली इन सब का क्या इलाज एक ही है या डिफरेंट डिफरेंट है आज उस पर बात करते हैं तो अगर आपको ओएसएमएफ है तो सबसे पहले तो आपको गुटखा खाना बिल्कुल भी बंद करना पड़ेगा आप दिन में एक या फिर होता है ना बोलते हैं सर मैं तीन चार दिन में एक खा लेता हूँ वो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा गुटखा पान जो भी है एल्कोहल कंजम्पन बिल्कुल कट करना पड़ेगा जीरो कट मतलब बिल्कुल जीरो तीसरी चीज हो गई हमको एंटी और अपना डाइट का सप्लीमेंटेशन जिसमें हाई प्रोटीन डाइट रहना चाहिए और कार्ब कम रहना चाहिए तो ये तीन चीज अगर आप फॉलो करेंगे आपका OSMF काफी हद तक कम होगा अब लोग बोलते हैं कि सर ये व्हाइट पैच जा नहीं रहा है व्हाइट पैच क्यों नहीं जाता है क्योंकि हमारी जो स्किन का जो टेक्सचर और उसका जो कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है स्किन में क्या होता है कि एक थिन लेयर रहती है स्ट्रेटिफाइड बेसल जो होता है उसके ऊपर होता है तो उसमें क्या होता है कि कैरेटिन की लेयर्स जो परत होती है जमती रहती जमती रहती है तो अब जितना भी मलम लगाएंगे वो उस जगह पे परकुलेट नहीं करता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है और उसका जो रेट ऑफ वो कैसे डिक्रीज होगा ओनली वाइल इफ यू यूज कैरेटनलाइटिक एजेंट जैसे कि रेडीनो ए क्रीम हो गया छोटी मात्रा में या फिर स्मॉल अमाउंट्स में हम लगाएंगे तो उससे कम होता है हम कच्ची हल्दी का पेस्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी वायरल और उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं उससे भी रिड्यूज होता है पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली लीजन को हील कर देगा धीरे धीरे लिजन आपके कम होंगे और सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है आपको हैबिट छोड़नी पड़ेगी तो काफी लोग मुझे दिखाने आते हैं कि सर हमने गुटका छोड़ दिया ठीक होता मैं खुश हो जाता हूँ लेकिन उसके बाद एक लाइन ऐड करते हैं सर वजह से हमको सिगरेट की आदत लग गई तो देखिए दोनों सब एक ही थाली के चट्टे बटे हैं और इसमें मतलब कि कोई ये नहीं है कि आप सिगरेट पियोगे तो आपको कम हार्म होगा या फिर गुटखा खाएंगे तो कम हार्म होगा सब इक्वली हार्म होता है तो इसको बेसिकली बैन करना है लाइफ से और हम और भी बहुत सारे सर्जरीज वगैरह करा सकते हैं अगर हमारे माउथ में लिकोप्ले किया है तो उसमें हम लिकोप्ले का रिमूवल वायर लेजर या फिर इलेक्ट्रोकॉटरी से कर सकते हैं उसके पहले आप एंटी का सेवन कर सकते हैं एंटी बेसिकली उस एंटी ऑक्सीडेंट में काफ़ी एंटी ऑक्सीडेंट के ऊपर रिसर्च कर चुका हूँ तो लाइको जो होता है एक मेडिसिन बाइको और गोल्ड होता है ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं स्पेशली लाइकोपिन मेडिसिन का ज्यादा केमिकल नेम जो लाइकोपिन टोमेटो एक्सट्रैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है ब्लैक ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का कोई भी सप्लीमेंट लीजिए वो बहुत अच्छा काम करता है क्यू क्यू सबसे बेटर अच्छा काम करता है में 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 अगर आप लें दिन में एक बार दो महीने या तीन महीने का कोर्स करें तो उससे काफी कम होता है बहुत लोगों में वाइटामिन डी की भी बहुत डिफिशियंसी रहती है तो वाइटामिन डी जो सनलाइट में जो हमको हमको मिलता है कैल्शियम विटामिन डाई डी थ्री कोले कैल्सिफोर बोलते हैं उसको तो वाइटामिन डी का भी स्प्रे आता है और उसके इस, सिर्फ आते हैं तो वो आप ले सकते हैं वो भी काफी ज्यादा हेल्प करता है हमारे वाइट रीजन और बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ को कम करने के लिए लाइक प्लान्स में तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एम क्यूटन और एक और करक्यूमिन है जो हल्दी एक्स्ट्रैक्ट है वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल है वाइट रीजन्स में इसके साथ हमको परहेज करना है हमको ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है हमारे माउथ में जितने भी मेटालिक रेस्टोरेशन उसको चेंज करने वाइट फिलिंग में चेंज करना है और हमारे माउथ में जितने भी शार्प टीथ हैं या फिर कोई विजडम टीथ है अगर विजडम टीथ है तो उसको निकलवाएं अगर शार्प टीथ है उसे स्मूथ करवाएं ये सब चीज करने के बाद तो ये आप घर पे बैठ के तो नहीं कर सकते हैं तो आपको नियरेस्ट डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास हमको जाना चाहिए कंसल्ट करना चाहिए और ओरल मेडिसिन एंड डेडोलॉजी स्पेशलिस्ट को दिखाएं जो कि पर्टिकुलरली माउथ के इन सब स्किन डिसऑर्डर्स को देखते हैं तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और और भी इस टाइप के वीडियोज मैं बनाना चाहता हूँ और मेडिकेशन अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं तो मैं धीरे धीरे रिप्लाई सबको करता हूँ तो टिल देन आप मेरे साई अंडरस्कोर डेंटल इंस्टाग्राम चैनल को प्लीज़ फॉलो करिए वहाँ पे मैं काफ़ी पोस्ट्स वगैरह देता रहता हूँ और इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए टिल देन टेक केयर गुड बाय